बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12 तथा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव का परीक्षा परिणाम कक्षा 12 का 95% तथा कक्षा 10 का 100% रहा। कक्षा 12 में प्रिंसी गुप्ता ने 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 10 में श्रेया यादव ने 94.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान, अर्पित राय ने 93.8% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं अनुष्का गुप्ता ने 92% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही हर्षित द्विवेदी चौथे तथा अविनाश चंद्र पटेल पांचवें स्थान पर रहे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा परीक्षा फल आने पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह बच्चों के मेहनत का परिणाम है तथा उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उपप्रबंधक मुकुल पांडे ने बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने बच्चों के परीक्षा परिणाम एवं सफलता के लिए बच्चों तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी। हिप 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 कांग्रेचुलेशंस ऑल आवर वॉरियर्स। इधर खड़ी हो, दक्षिण में मत खड़ी हो। अंकों से परीक्षा मतलब ये लोग पास किए तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि भगवान इनके भविष्य को उच्च से उच्च स्तर पर ले जाएं और ये देश का कल्याण करें, सबका सम्मान करें और दिन दुनी रात चुगनी बढ़ते चले चले। हमारा आशीर्वाद है, इनका मंगल कामना है कि ये बच्चे हमारे बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही शिष्ट हैं। हमने जो कहा है ये किया है बच्चों ने, और लोगों ने नहीं किया पर इन बच्चों ने मान किया है, तो हम इनके भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। कुछ बच्चे कम नंबर मैडम पाते हैं तो निराश होते हैं, उनके लिए क्या नहीं होगा? बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, इतना करना चाहिए, तब परिश्रम करना चाहिए कि आगे आगे बढ़े। कोई जरूरी थोड़ा है कि हाई स्कूल इंटर ही है, अरे बीए है, एमए है, बीएड है, रिसर्च है, पीएचडी है, तमाम शिक्षा संस्थाएं हैं, और ये आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, नाम करते जाएं। इतने अच्छे नंबरों से आपने पास किया, किसको इसका श्रेय देंगे? पहले तो अपने जो माता पिता उनको, उसके बाद टीचर्स, जो क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग फंसते हैं पढ़ाई में तो फिर सबसे पहले टीचर्स ही होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो टीचर्स को सबसे ज़्यादा श्रेय इसका जाता है। तो आगे क्या योजना है आपकी, क्या बनना चाहते हैं विद्यालय का जिससे नाम रोशन हो? आगे अभी पढ़ाई करनी है और कुछ ऐसा बनना है जिससे कि सभी मतलब गर्व हो, कि टीचर्स को गर्व हो कि उन्होंने कभी हम लोग को पढ़ाया है, फिर माता पिता को गर्व हो कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया और उनका जो पैसा है हमारे ऊपर ख़राब नहीं गया जितना उन्होंने लगाया है। विद्यालय का नाम किस तरह से रोशन किया, आगे क्या करना चाहते हैं? सर, हाई स्कूल में मैंने 92% पाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, और अभी मेरी इच्छा ये है कि मैं डॉक्टर बनूं और समाज की सेवा करूं। कितने देर पढ़ाई करती हो तुम? सर, लगभग 6 घंटे, 6.5 घंटे स्कूल और कोचिंग के बाद। तो विद्यालय में आपको किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है, बाल विद्यालय में आप क्या कहना चाहेंगी अपने शिक्षिकाओं को? सर, सभी टीचर्स अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और कभी भी हम लोग कहीं भी फंसते हैं तो क्लास में हो, चाहे क्लास के बाद हो, स्टाफ रूम में हो, लंच में हो, कभी भी हम लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे क्या योजना होगी आपकी पढ़ाई के प्रति? सर, अभी तैयारी करना चाहूँगी और डॉक्टर बनना चाहूँगी। इसी कड़ी में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट स्थित शाखा में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक गण द्वारा छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बधाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य शामिल रहे। हम क्लास 10th में हैं और मेरा 94% इस बार रिजल्ट आया है।
क्या कहना चाहोगी विद्यालय परिवार को, किसको श्रेय दे रही है इसका? इसके लिए हम अपने स्कूल की टीचर्स और अपने प्रिंसिपल मैम और अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों का बैच था, बट हम लोगों को इतनी अच्छी पढ़ाई कराई गई है, इस वजह से हम इतना अच्छा स्कोर कर पाए और बहुत खुश हैं। तो आगे पढ़कर के विद्यालय का नाम कैसे रोशन करेंगे? अभी 10th में कर रहे हैं, 12th में इससे और अच्छा लाएंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अनुजा जी, आप किस क्लास को पास किए हैं और आज क्या कहना चाहेंगी इतने अच्छे रिजल्ट आपके आए? हम क्लास 12th ह्यूमैनिटी से मैंने पास किया है 95%, और मैं सारी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आगे क्या बनना चाहूँगी? मैं जज बनना चाहूँगी और इसलिए मैं क्लैट की तैयारी भी कर रही हूँ। मैं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट शाखा का उपप्रबंधक हूँ। आज उन बच्चों का जो है इंटर हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, आपने मिष्ठान खिलाया, उनको आशीर्वाद दिया, क्या कहना चाहेंगे छात्रों को? हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं वो इसी तरह मेहनत करते रहें और इस तरह उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा, और जो भी परीक्षाएं आएंगी, चाहे विद्यालय की परीक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएँ हो, वो इसी तरह अगर अपना मेहनत करते रहेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी। कुछ छात्र जो है निर्बस है क्योंकि उनका नंबर भी कम आया है, तो उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? उनके लिए यही संदेश है कि मेहनत करते रहें, क्योंकि कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो जिस प्रकार ये सोए हुए सिंह के, मतलब हिरन जो है शेर के मुंह में अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, उसको शिकार करना पड़ेगा। तो उद्यम और परिश्रम छात्रों को ही करना है, और बाकी सफलता तो है ही है उनके लिए अगर वो परिश्रम करते हैं।